आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34 जो कि आपके 21 सितंबर के लिए बनाई गई है ओके okay? और ये उसी चैप्टर के कंटिन्यूशन में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इन दिस चैप्टर नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एज द नेम सजेस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस ओके आयनिक कंपाउंड में बार बार आयंस का नाम आता है तो यू हैव टू बी फैमिलियर विद द आयंस जो आप शायद होंगे भी कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि आयंस क्या होते हैं आयंस क्या होते हैं आयंस आर द एटम्स। आयंस आर द एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स गिविंग दैम आ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये बात बहुत जरूरी है आपको जाननी क्योंकि कोई भी एटम है इनर्ट गैसेस को अगर हम छोड़ दें बाकी सारे एटम्स में या तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में एट नहीं होते कंप्लीट शेल नहीं है या तो कम होंगे या ज़्यादा होते हैं तो किसी भी एलिमेंट को ये टेंडेंसी होती है उसकी कि उसको अपना आउटर आउटोमो शेल जो है वो कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा फाइन फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का बताया जाता है और सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी समझाया गया है लुक एट दिस पिक्चर फॉर्मेशन ऑफ आयन कंपाउंड इससे पहले हम ये देखेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रग्रेशन टू एट वन क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका इलेवन है फाइन टू एट वन मीन्स उसके मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है एंड इन सी एल इट इज टू एट सेवन टू एट सेवन शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेयर इट इट इज़ वन फाइन इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज कर दे माइनस कर दे वहाँ से तो इट विल कम इन टू दी इनर्ट गैस कन्फ्रगेशन फाइन ये इनर्ट गैस कन्फ्रगेशन में आ जाएगा क्यों क्योंकि इसके पास टू और एट रह जाएंगे टू और एट रह जाएंगे और ये क्या हो जाएगा टू एट एट बन जाएगा इस स्टेज को आप देखो यहाँ पर दिखाया है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल गेन वन पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन क्लोरिन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर वन नेगेटिव चार्ज फाइन तो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल कंबाइन टू फॉर्म वॉट एन एस एन ए सी एल NaCl, Na positive plus Cl negative will give you NaCl. Fine. तो ये NaCl आपको मिला तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो बॉन्ड इसके बीच में बना जब NaCl बन गया तो Na और Cl का कोई अलग से उसका कुछ अलग से अस्तित्व नहीं रहा वो सिर्फ Na आयन और Cl आयन बनने के बाद जब पूरा कंपाउंड बन गया यहाँ पर तो वो NaCl एक क्या हो गया कंपाउंड हो गया ओके तो दिस इज वॉट आयनिक बॉन्ड कॉम्बिनेशन गॉट इट अब सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का समझाया है मैग्नीशियम आउटोमोशियल में टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन टू एट टू एंड सी एल अगेन टू एट सेवन तो यहाँ पर आपके एकदम आ रहा होगा माइंड में कि ये कैसे बनाएगा बॉन्ड यस दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अब सी को तो एक लेना था तो ये क्या करेगा मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक सी को देगा और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला दूसरे सी को देगा तो इस तरह से एम जब दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एम पर आएगा टू पॉजिटिव चार्ज और सी तो वो है ही कहाँ पर है सी नेगेटिव पे वन सी नेगेटिव सी नेगेटिव एंड यू विल गेट एम जी सी एल टू ओके this is MgCl2, the formula will be what MgCl2 fine. पहले केस में जो फार्मूला था एन ए सी एल यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है पहले आप नाइन्थ में वैलेंसीज पढ़ते थे कि कैसे आई पर यहाँ पर बॉन्डिंग से बिल्कुल क्लियर होगी कि एन ए सी एल क्यों बना और एम जी सी एल टू क्यों बना ठीक है तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से अब आप एम जी सी एल टू और एन ए सी एल बनाना सीख गए तो आप एम जी ओ भी बता सकते हैं कि एम जी ओ कैसे बनेगा उसको भी आप कॉपी पे कर लेना मैंने समझाया है इस तरह से और करके मुझे सेंड कर देना ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे लेट्स प्रैक्टिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर एनायंस एंड कैटायंस एंड हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म तो वाटर एनायंस आपके माइंड में आ गया हमने ऊपर भी समझा था और नाइन्थ में भी हम समझ चुके हैं आयंस के बारे में वाट आर एनायंस एनायंस आर फॉर्म यस इट इन हेयर जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है दैट आर कैटायंस एंड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है दैट आर एनायंस फाइन मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन दे बिकम कैटायंस एंड नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एनायंस दैट हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज वाले एनायंस हैं एंड पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस हैं फाइन ये क्लियर हो गया उसके बाद क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हाउ आर दीज फॉर्म ये भी आ गया है कि बाई लूजिंग बाई गेनिंग एंड बाई लूजिंग लूजिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ही, ही हो रहा है तो क्या बनता है कैटायन और प्लस इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं शेल में तो एनाइंस बनता है फाइन हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड कब बनेगा ये बिल्कुल क्लियर है आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज आइनिक बॉन्ड फाइन थोड़ी सी लाइन ऐसी होगी आप इसको देख लेना मैं समझाने के लिए कर ली हूँ एंड दीज कंपाउंड कंटेंस आयंस और एग्जाम्पल आप सोडियम क्लोराइड का वहाँ पर बता देंगे ठीक है तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है अब आप आइए थर्ड क्वेश्चन पे वाई एटम्स टेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन ये जैसे मैंने आपको समझाया था कि पूरे ये पूरी यूनिवर्स पूरे अर्थ की सबकी बात है कि कोई भी चीज़ है वो सेचुरेशन पे जाना चाहती है तो कोई भी अगर एटम है क्यों वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्यों लूज़ करेगा टू बिकम इनर्ट गैस टू एक्वायर द इनर्ट गैस या नोबल गैस कन्फ्रोगेशन यहाँ पर लिखा एलिमेंट कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फ्रोगेशन ओके तो यहाँ से आप आंसर ले लेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स टेम टू गेन स्टेबिलिटी स्टेबल होने के लिए किसी भी चीज़ को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा एटम के केस में बात कर रहे हैं हम और इस तरह से वो सेचुरेशन पे जाएगा और बॉन्ड फॉर्म करके वो कंपाउंड के स्टेज में या किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेज में रहेगा ठीक है फ्री फॉर्म में खाली इनर्ट गैसेस रहती हैं बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स uh, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ पर हैं वो सारे किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में हैं जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड ये आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है या नहीं कैसे बताएंगे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड इज सी ए फाइन तो सी ए ओ अब और अच्छे से लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड सी अब सी ए में कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में टू और ऑक्सीजन के पास कितने हैं ओ हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन द शेल फाइन तो अब क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड के केस में यहाँ पर टू है इसने कहा भी मेरे पास तो दो कम है और तुम्हारे पास दो एक्स्ट्रा हैं तो चलो क्या करते हैं हम आपस में इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो और तुम भी कंप्लीट हो जाओगे और मैं भी कंप्लीट हो जाऊंगा तो वो दोनों क्या करते हैं दो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ट्रांसफ़र कर देता है उसको ओ को और कैल्शियम पर टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फाइन कैल्शियम पर टू पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर ऑक्सीजन पर टू पॉजिटिव हो गया कैल्शियम पर कैल्शियम टू पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन टू नेगेटिव आफ्टर गेनिंग और दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया सॉरी ऑक्सीजन टू नेगेटिव दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया सी ए ओ तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिला वो हमें क्या मिला सी ए कैल्शियम ऑक्साइड तो ये आयनिक कंपाउंड हुआ या नहीं यस yes, आप फॉर्बेशन करके दिखा सकते हैं इसको नाओ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये बिल्कुल अच्छे से समझाया है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का ये पूरा आंसर लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा ये कि कैसे सोडियम क्लोराइड का ट्रांसफरसी कैसे बनता है यू कैन राइट फ्रॉम हेयर एंड एवरी थिंग आई थिंक एवरी थिंग इज़ क्लियर नाउ अटैम्प्ट क्वेश्चन केयरफुली एंड नीटली एंड डू द वर्कशीट ओके थैंक यू बेटा